नमस्कार, स्वच्छता वॉरियर का ये ब्रांड न्यू अंक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं जया सिन्हा। डीडी न्यूज की एक विशेष मुहिम, देश के कोने कोने से उन स्वच्छाग्रहियों से आपको रूबरू कराने की जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को जमीन पर उतरकर एक आंदोलन का रूप दे दिया। तो आज क्या है खास स्वच्छता वॉरियर में, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। Before walls that we live in isn't our home. This is where we live. We need to secure our future generations to come. We need to coexist with nature. Change needs to happen now. We need climate action now. People care, and this is our home, and we have to preserve it. मत तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दरवाजे दिमाग के खुले रखो, बाथरूम के नहीं। ऑर्डर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसी सोच की वजह से देश का कबाड़ा हुआ हुआ। ओ भाई साहब, सीधे बात करो, यहाँ शौचालय नहीं, शौचालय वो भी दो गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। डीडी न्यूज की विशेष मुहिम स्वच्छता वॉरियर से जुड़ने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है। ये वो शख्सियत है जिसने अपने रियल लाइफ में जो प्रयास किए फिल्मों के जरिए, उन्हें असल जिंदगी में जमीन पर उतारने का भी बहुत ही नेक कोशिश की। हमारे साथ जुड़ चुकी है भूमि पेडणेकर। भूमि, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज के इस मिशन में जुड़ने के लिए। भूमि, हम बात करते हैं जब भी किसी भी मिशन को लेकर, जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री के एक आह्वान को आम जन ने आंदोलन बना दिया, लेकिन आप वो शख्सियत रही जिन्होंने सिनेमा के पावर के जरिए किस तरह से उस आह्वान को और धार देने में अपना प्रयास किया। क्या क्या भूमि के प्रयास रहे उसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले किस तरह से आप देखती है एक स्वच्छता वॉरियर के रूप में, आपने एक फिल्म के जरिए लेकिन अपने बाकी प्रयासों के जरिए भी आप उतर कर आई जमीन पर और कोशिश की अपनी तरफ से छोटे छोटे कदमों से एक बड़ा बदलाव लाने की। जी, पहले तो नमस्ते आपके सारे दर्शकों को, और बहुत अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। मैं ट्रूली अपने आप को एक स्वच्छता वॉरियर मानती हूँ। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ इतना अलाइन हो पाई। मैंने सिनेमा का पावर देखा है, जब आप ऐसा सिनेमा बनाते हैं जिससे लोगों की सोच बदले, और हमारे पास एक ऐसा जरिया है जो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इनफैक्ट हमारी फिल्म डीडी पे लगातार दिखाई जा रही थी, और अब भी जब मैं किसी छोटे शहर में जाती हूँ या किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ, सब मुझे कहते अरे टॉयलेट एक प्रेम कथा की हीरोइन है ना, वो पावर है सिनेमा का। हमारे पास कुछ आंकड़े थे जब फिल्म शुरू होने के पहले, और फिल्म शुरू होने और फिल्म जब दिखाई गई उसके बाद स्वच्छता अभियान में कितना आगे बढ़ा हमारा देश। जो खुले शौच की प्रॉब्लम थी उससे किस तरह लड़ा हमारा देश, और मेरी फिल्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करती हूँ, और सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने हमारी फिल्में देखी और जो फिल्म का मैसेज था वो आप समझे। वरना अगर हम फिल्म बनाए और उसका मैसेज दर्शक समझे ना, तो फिर उसका फायदा ही नहीं होगा। क्या आपको इस बात का एहसास था, फिल्म आज की डेट में इस तरह की फिल्म बनाना, उसे कमर्शियल रिलीज करना, ये तो आपका एक बहुत ईमानदार प्रयास था, लेकिन क्या आपको एहसास था इस बात का कि अभी भी हमारे देश के जो गांव हैं उनमें महिलाएं अभी भी इस समस्या से दो चार हो रही हैं? मुझे थोड़ा आइडिया ज़रूर था, लेकिन ये कितनी कहाँ तक इसका इफ़ेक्ट है उसका मुझे रियलाइजेशन नहीं थी। मुझे लगता था कि चलो ठीक है, यू नो, गंदगी होती है, लेकिन ये गंदगी से बहुत बढ़कर प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम जब ओपन डेफिकेशन या खुले में शौच करने की बात करते हैं, तब महिलाओं की बेसिक राइट आप उनसे छीन रहे हैं। तब जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो जो आंकड़े मेरे सामने आए थे, शॉक्ड मी कि कितने बार महिलाओं पर शोषण तब होता है जब वो खेत में जाती थी, क्योंकि अंधेरे में जाते हैं वो, उनके हेल्थ पे कितना बड़ा इसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो फिल्म करना मेरे लिए इतना ज़रूरी था।
भूमि, आपने कोशिश की कि जब आप इस फिल्म का हिस्सा बने उस समस्या को आप समझें, और उस समय भी जिस तरह से खबरें थी कि आपने कोशिश की कि वो लोटा पार्टी को समझें, आप महिलाओं से मिली उस गांव में जाकर, वो किस तरह के आपके अनुभव रहे? जी, अनुभव बहुत ही फुलफिलिंग थे। ये कहानी एक एक्चुअल कहानी से प्रेरित थी। टॉयलेट एक प्रेम कथा जहाँ पे उस लड़की ने शादी से मना कर दिया था क्योंकि होने वाले जो पति थे उनके घर पे शौचालय नहीं था, और बहुत अप्रोर हुआ कि इतनी छोटी सी बात पे ये कैसे हो सकता है। पर ये छोटी सी बात नहीं है, उस लड़की के करेज ने, उसने जो साहस दिखाया, उस वजह से एक इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आप कह लीजिए भारत में आया। एंड ऑफ कोर्स यू नो जो हमारे पीएम सर हैं, उनके विजन ने जो स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने शुरू किया, तो इन औरतों से मिलके इनकी कहानियाँ सुन के एक तो आपको रियलाइज होता है कि आपके पास कितना ज़्यादा प्रिविलेज है, है ना। हमारे लिए बाथरूम मिलना एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। ये उन्हें जो दिक्कतें होती थी, और क्या है, देखिए जब आपके पीरियड होते हैं तब आप उसके साथ कैसे डील करते हैं, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। ये औरतें किलोमीटर, मतलब मुझे जब मैं यही सोच रही थी कि अगर मुझे बाथरूम जाना हो तो मैं कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता, और ये औरतें रोज़ उठ के किलोमीटर पर किलोमीटर चलती थी, है ना। उन्हें ये भी डर लगा रहता था कि कहीं कोई देख ना ले। यू नो जो फिल्म में भी होता है कि उसके ससुर देख लेते हैं, वो इतना हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट है फिल्म का, और इतने लोगों की रियलिटी है, है ना। वो वापस आती थी, और क्यों इतना दूर जाना है, तो वो दिन में 2 या 3 बार ही जा सकती हैं। ये तो आपका बेसिक हक है जो आपसे लिया जा रहा है। तो जब मैं उनकी बातें सुनती थी, और आई थिंक उनको भी, उन औरतों को भी रियलाइज़ नहीं होता था कि इस वजह से उन्हें कितनी तकलीफें हो रही है। जब हमने उनको उसका सोल्यूशन दिया तब उनको लगा कि यार जिंदगी तो इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर आप बच्चे भी संभाल रहे हैं, आप अपनी बच्चियों को भी लेके जा रहे हैं, आप आके घर का काम भी कर रहे हैं, बीमारी में भी आप उतने ही दूर जा रहे हैं, आपका पैर टूटा हो तब भी आपके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप सुनते हैं तो लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाई। एक ऐसी फिल्म जिसने इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेशन, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बनी है ये फिल्म। बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा असर हमने देखा कि किस तरह से इस फिल्म का ज़मीन पर भी नज़र आया। और ऐसे कई स्वच्छाग्रही हैं जिन्होंने हमारे देश के कई गांवों को खुले में शौच मुक्त करने में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जुपेली नीरजा से। जुपेली नीरजा एक ऐसी शख्स रही जिन्होंने अपने गांव में जब महिलाओं की स्थिति को देखा तो उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मुझे बदलना है। सुबह 4 बजे उठ के वो पहुँच जाती थी, जो जो खुले में शौच कर रहा था उसको वो पकड़ती थी और समझाती थी कि नहीं, आपको घर में ही शौच में जाना है, और ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके। और वो स्वच्छ किया उन्होंने अपने ना सिर्फ गांव को बल्कि आसपास के जिले को। आइए आपको दिखाते हैं नीरजा की कहानी। ये साफ सुथरी गलियां, मुस्कुराते चेहरे, लेकिन तस्वीर इतनी सुखद पहले नहीं। एक समय था जब तेलंगाना के इस गांव में सब खुले में ही शौच करते थे, पीढ़ियों से चली आ रही आदत से मजबूर थे, हर तरफ गंदगी और बीमारियों का अंबार था। तब गांववासी जुपेली नीरजा ने अपने गांव की तस्वीर बदलने की ठानी और जुट गई अपने गांव को खुले में शौच मुक्त करने। मेरा नाम जुपेली नीरजा है, मैं SHC समूह के लीडर के रूप में काम कर रही हूं। हमारा मुख्य उद्देश्य गांव में स्वच्छता बनाए रखना है। हमने अपने गांव में शौचालय बनाने के लिए सभी को जागरूक किया। स्वच्छता के साथ साथ हमने पाइप कंपोस्ट खाद बनाने में भी ध्यान दिया है। गांव में स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए हम हर घर के परिसर में पाइप कंपोस्ट खाद बनाते हैं। घर की बची सब्जियों और अन्य कचरे को पाइप कंपोस्ट में डालते हैं और लगभग 40 दिन के बाद खाद तैयार होती है। प्राकृतिक रूप से तैयार खाद को पेड़ों और फसलों पर लगाने से स्वस्थ फसल पैदा होती है। हमने गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर शौचालय के साथ साथ पाइप कंपोस्ट स्थापित कर गांव को स्वच्छ रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से स्वच्छाग्रही पुरस्कार मिला, वो मेरे लिए एक सराहनीय पल था। नीरजा ने शुरुआत में समूह बैठकों से लेकर घर घर का दौरा किया। नीरजा ने हर सुबह सभी सामान्य खुले में शौच वाले स्थानों की
व्यक्तिगत रूप से निगरानी शुरू की। शौचालय निर्माण के प्रशिक्षण लेने से लेकर सामुदायिक निगरानी तक हर प्रयास किया। समुदाय को शौचालय बनाने और उपयोग करने के लिए प्रेरित करने में जुटी इस स्वच्छता ग्रही के उत्साह के आगे गांव वालों को आखिर हार माननी पड़ी। मैं आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूं। मैं जुपेली निर्जा के साथ मिलकर काम कर रही हूं। हमारे गांव में हम नियमित रूप से पाइप कंपोस्ट बनाकर और शौचालयों के निर्माण कर स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। हम प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार को ड्राई डे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम हमेशा स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। हम अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नीरजा का स्वच्छता अभियान यही नहीं रुका, उन्होंने गांव में कचरे के प्रबंधन के लिए भी व्यवस्था की। उन्होंने कंपोस्ट पाइपों के उपयोग के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। नीरजा और गांव वालों के प्रयासों का परिणाम आज सभी के सामने है। खुले में शौच मुक्त हो विकसित भारत यात्रा में अपना योगदान दे रहा है ये सिरकला जिला। जुपेली नीरजा है स्वच्छता वॉरियर। स्वच्छता वॉरियर के साथ साथ क्लाइमेट वॉरियर भी हैं आप, भूमि थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्लाइमेट वॉरियर एक एडवोकेसी प्लेटफॉर्म है। मैं एनवायरनमेंट में जो बदलाव आ रहे हैं, ये तो नेचर का नियम है कि हमारा क्लाइमेट बदलेगा। प्रॉब्लम ये है कि जिस गति से ये बदल रहा है, लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें इफ़ेक्ट नहीं आएगा, पर आप देख लीजिए जितना सूखा पड़ा है, अनाज खराब हो रहे हैं, फ्लड्स हैं, बीमारियां फैल रही हैं, ये सब क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं। और एक्टर बनने के पहले भी मैं इस बारे में बात करती थी, लेकिन एक्टर बनने के बाद मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिला और मेरे सोशल मीडिया के थ्रू मैं जितनी अवेयरनेस हो सके इस बारे में फैलाना चाहती हूँ। तो क्लाइमेट वॉरियर वही है, हम बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड काम करते हैं। सिर्फ एक समअप करते हुए एक छोटी सी लाइन कहूँगी कि हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज आगे आने वाली पीढ़ियों को महसूस होगा, कुछ बहुत नए वो हमें हम अभी महसूस कर रहे हैं। आप कोविड काल देख लीजिए या आप यू नो जैसे हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि यहाँ पे यू नो कोई नेचुरल कैलामिटी आई है, ये सब ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे किसान हैं उनको सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट फील होगा, जो अभी हम देख रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि जितने भी सीजनल क्रॉप्स हैं सब शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, पानी की कमी है, ये सब क्लाइमेट चेंज है। और हमारी ड्यूटी है कि आगे जितने भी आने वाली जनरेशन्स हैं उनको उसी तरह का प्लानट मिले जैसा हमें मिला, साफ़ हवा। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में यही चीज़ आती है कि कैसे कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है, मुंबई भी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो ये सब हमारा किया हुआ है। मूवी आपका कनेक्ट है ऑडियंसेस के साथ, देश भर में आप घूमती हैं, शूट करती हैं, किस तरह के आप एक्सपीरियंसेस देखती हैं इस मिशन को लेकर और जिस तरह से तमाम चीज़ें इस मिशन के ज़रिए किए जा रही हैं, आप जैसे आप भी एक स्वच्छता वॉरियर हैं, क्या कुछ आपका कनेक्ट रहता है, आपका एक्सपीरियंस रहता है जब आप जाती हैं लोगों के बीच, उनसे मिलती हैं अपनी फिल्म की शूटिंग दौरान, तो आप रिमोट एरियाज में गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है जब मैं स्वच्छ भारत मिशन के पोस्टर देखती हूँ किसी शौचालय के बाहर, किसी पब्लिक टॉयलेट के बाहर। इनफैक्ट कईयों पे तो मेरी और अक्षय सर की फ़ोटो भी लगी हुई है टॉयलेट एक प्रेम कथा से। यू नो, बहुत खुशी होती है जब यू नो एमपी में इतने सारे शहर हैं जो क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया है, और जेन्युइनली जैसे मैं भोपाल में जब शूट कर रही थी या कुछ बार मैं इंदौर भी गई हूँ, वहाँ पर साफ़ सफाई का दर्जा बहुत हाई है। यू नो, वहाँ के सिटीजन्स लिटरली ऐसे है, वो बोलेंगे नहीं हमारे शहर में तो आप कचरा नहीं फैलाओगे। वहाँ के सफाई साथी इसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। मुझे लगता है यही अगर हम हर शहर में, भारत के हर कोने में इम्प्लीमेंट कर दें, और इसका बदलाव देखो हम ही से आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे खुले में शौच ना करें, वो आपकी सेहत के लिए और हमारे देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, है ना। जब कचरा आप अपने घर से जाता है, आपके घर से कचरा, तो सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग करें, क्योंकि ताकि हमारे सफाई साथी आगे जाके जब उस कचरे को अलग करें उनके लिए हम जिंदगी थोड़ा आसान बना। आप सोचिए वो कैसे वो कचरा अलग करते होंगे,
है ना, बाहर आसपास घूमते हुए कचरा ना फैलाएं। इतने लोग हैं जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं जिनको मौका मिलता है विदेश जाने का, हम विदेश जाके तो कचरा नहीं फैलाते, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है हमारा कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं है, आप हमारी कल्चर की बेइज्जती कर रहे हैं ये करके। हमारे कल्चर में है कि जो हमारे पेड़ है, हमारा प्लैनेट है, ये जो हमें जीवन मिला है, एक एक जीव हम उसकी इज्जत करें। भूमि, आपने अक्षय सर का मेंशन किया, किस तरह से फिल्म में भी आपने देखा कि कैसे पुरुषों को भी आगे आके योगदान देना होगा, महिलाओं से जुड़ी इन तमाम समस्याओं के बारे में बात करें, किस तरह से आप देखते हैं इसमें कि कैसे आप जब हर जन के योगदान की बात करते हैं तो उसमें आपने किस तरह का रवैया देखा है जब आप लोगों से मिलती हैं? महिलाएं ज़रूर आपसे कनेक्ट करती हैं और चाहती हैं कि ऐसा जैसे आपने फिल्म में किया ऐसा वो कर सके, लेकिन पुरुषों का आप किस तरह से आपका लेते, क्या उनको उनके नज़रिए में आपको बदलाव महसूस हुआ जब आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो उसमें थोड़ा पुरुष प्रधान सोच तो है ना, तो जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक रियल चेंज आएगा नहीं। तो जब हम देखते हैं कि शौचालय अगर बनाया जा रहा है, वो तब बनाया जा रहा है जब पुरुष समझे कि औरतों की तकलीफें क्या हैं, है ना, और स्पेशली ऐसे तबकों में जहाँ पे ब्रेड अर्नर ही पुरुष है, है ना। आई रियली होप कि ये सोच भी बदले। यू नो, मेरा तो कॉन्स्टेंट फाइट ये रहती है कि हम कैसे इक्वालिटी लाए जहाँ पे हमें पुरुष की ज़रूरत ना पड़े कोई किसी भी चीज़ की बदलाव लाने में, और मुझे लगता है वो हो भी रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, और इसी कड़ी में यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे ए रमेश का, तेलंगाना के ए रमेश हैं। सदियों से, पीढ़ियों से जो ये आदत है ना खुले में शौच करने की, जब इनकी बारी आई कि इन्होंने जब एहसास किया कि मुझे इस आदत को बदलना है, तो उन्होंने सबसे पहले खुद अपने घर में शौचालय बनाया और फिर निकल पड़े लोगों को समझाने कि भैया घर में शौचालय बनाइए और उसका इस्तेमाल भी करें। घर में शौचालय बना लेते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही आपने। बिल्कुल, तो यहाँ पे कोशिश रही ए रमेश की, किस तरह से उन्होंने अपने गाँव वालों को मनाया, कैसी रही उनकी ये स्वच्छता वॉरियर के रूप में उनकी कहानी, आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। वर्ष 2016 में जब चित्तूर जिले के मध्याम ग्राम पंचायत में भारी बारिश हुई तो भूजल जल निकासी के पानी से दूषित हो गया। परिणाम स्पष्ट था, अनेक बीमारियों का प्रकोप। जल जमाव के कारण नागरिक शौच के लिए खुले में नहीं जा पा रहे थे। इस दौरान एक स्वयंसेवी संगठन ने गांव में सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया। खुले में शौच के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जानने के बाद स्थानीय निवासी ए रमेश ने सबसे पहले अपने घर में शौचालय बनाया और फिर दूसरों को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया। स्वच्छ भारत अनेक कार्यक्रमों में पहले लोग शौचालय के लिए बाहर जाते थे जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता था। लोगों को समझाने के बाद काफी बदलाव आया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। शुरुआत में मैंने लोगों को खुले में शौच जाने से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बताया, उन्हें शौचालय बनाने से होने वाले फायदे को लेकर जागरूक किया। मेरे प्रयास के बाद लोग जागरूक हुए और सभी ने अपने घरों में शौचालय बनवाया। आजकल गाँव में लोग साफ सफाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गारु स्वच्छ भारत मिशन कल्पించినటువంటి ए रमेश जागरूकता फैलाने के लिए घर घर और खुले में शौच वाले स्थानों पर गए। ए रमेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीणों की मानसिकता को बदलना था। शौचालय के उपयोग से संबंधित शंकाओं का समाधान करने से लेकर लोगों को परामर्श देने तक समुदाय के साथ रमेश के करीबी जुड़ाव ने उन्हें इस चुनौती से उबरने में मदद की, जो कठोर मानसिकता वाली सदियों पुरानी प्रथा से जुड़ी हुई है। रमेश उन्हीं में से एक थे। ग्रामीणों ने उनकी बात सुनना शुरू किया और समझना भी। पहले हमारे गांव में शौचालय के बिना बहुत परेशानी होती थी। लोगों को खुले में शौच करना पड़ता था, खासकर महिलाओं को घर से बाहर शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। इन सब परेशानियों को देखते हुए ए रमेश ने गांव के लोगों को शौचालय के लिए जागरूक करना शुरू किया। ए रमेश ने गांव के घर घर में शौचालय बनवाने के लिए सराहनीय प्रयास किया है। मैं ए रमेश के इस प्रयास में सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ।
मोदी प्रभुत्म दो वर्षों में पंचायत में शौचालयों की संख्या 45 से बढ़कर 506 हो गई, जिससे ए रमेश का जिला हुआ खुले में शौच मुक्त। ए रमेश ने अपने समुदाय का विश्वास जीता। अपनी दैनिक निगरानी के दौरान प्रशासन और लोगों के बीच संपर्क का काम किया और जमीनी स्तर की समस्याओं का समाधान किया। गाँव में स्वास्थ्य समस्याओं में गिरावट और उत्पादकता में वृद्धि काफी हद तक ए रमेश और स्थानीय लोगों के प्रयासों का ही परिणाम है। आज इस गांव की महिलाओं को अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिला है। ए रमेश हैं स्वच्छता वॉरियर। तो ये थे ए रमेश और भूमि, यहाँ पे आपसे बात करना चाहेंगे किस तरह से आप आज एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर को लेकर आगे बढ़ रही हैं, स्वच्छता वॉरियर के रूप में किस तरह से आपको लगता है कि आप अभी भी इन स्वच्छाग्रहियों को सपोर्ट कर सकती हैं, प्रमोट कर सकती हैं और अपना योगदान दे सकती है व्यस्तताओं के बीच में? बिल्कुल जी, कोशिश यही रहेगी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे टॉयलेट एक फेम कथा से मिली, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब तक मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ हो सके मैं इसके बारे में बात करूँ, जितना प्रचार हो सके मैं करूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने मतलब एक मैंने फिल्म की और मेरा योगदान ख़त्म हो गया, मैं उस तरह के कि यू नो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और काम कर सकूँ। तो मेरे पास पावर ये है कि मैं एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकती हूँ, मेरे पास पावर है कि मैं कि लोग शायद मेरी बात सुने और जब हो सके जहाँ हो सके मैं इसके बारे में बात करूँगी। और मैं जेन्युइनली इस प्लेटफॉर्म पे धन्यवाद करना चाहूँगी जितने भी हमारे सफाई साथीज हैं, जितने भी स्वच्छ अभियान से जितने भी लोग जुड़े हैं, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट एक मूवमेंट शुरू किया और उस मूवमेंट में उन्होंने इतने सारे लोग इसके साथ जुड़े। तो जितने भी लोग स्वच्छ अभियान के साथ जुड़े हैं उन सबको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूमि डीडी न्यूज की इस विशेष मुहिम से जुड़ने की। इसी के साथ स्वच्छता वॉरियर्स के आज के इस अंक में इतना ही। डीडी न्यूज की ये विशेष मुहिम और ये कोशिश जारी रहेगी, जरूरत है आपके योगदान की। जी हाँ, आप भी बन सकते हैं स्वच्छता वॉरियर। और आप जो अब तक स्वच्छता वॉरियर नहीं बने हैं, आइए हमारी मुहिम से जुड़िए। तो स्वच्छता वॉरियर के आज के इस अंक में इतना ही, मुझे और भूमि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। से दक्षिण तक।